मक्खन बनाते बनाते मेरी शीशे की बर्नी फट गई। शीशे की जिसमें मैं मक्खन बना। हेलो जी, स्वागत है आपका हमारे आज के नए ब्लॉग में। तो आज ब्लॉग की शुरुआत 2:30 बजे से हो रही है दिन से, क्योंकि आज सुबह से टाइम ही नहीं लगा। तो फिलहाल मैं किचन में हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ कुछ स्पेशल, तो क्या कुछ बना रही हूँ। तो हमारे यहाँ इनको चूड़े बोलते हैं। ये है जी मैदा, आटा और गुड़ का पानी, और ये मैंने लगाया है तेल। अब इसमें डाल के बनता है। वैसे तो हमारे यहाँ ये शिवरात्रि में बनता है, पर मैं तो खैर मैं तो मेरे को मीठा खाना बहुत पसंद है, तो मन कर रहा है तो मैं खा बना लेती हूँ। तो फिर अब दिखाती हूँ आपको, जब बन जाएगा, जब एक बन जाएगा तब दिखाती हूँ आपको। तो जी काफ़ी ख़राब कोशिशों के बाद ये पहला बना है जो अभी ठीक बना है। मतलब मैं तो बंद ही करने वाली थी अभी कार्यक्रम। तो जी काफ़ी मेहनत के बाद, मशक्कत के बाद मेरे चूड़े बन गए। तो अब देखते हैं ज़रा खा के क्या हाल चाल है हमारे चूड़ों का, कच्चे हैं कि पके हैं। होंगे तो पके ही। तो मैं वैसे तो मैं बहुत बार बनाती रहती हूँ, पर कभी बनते हैं कभी नहीं बनते, पर फिलहाल बन ही गए, शुक्र है। तो ये आज कपड़े मेरे पति देव धो रहे, कभी कभी चढ़ जाती है, इसको धोए तो ये मैंने है, बस कभी कभी चढ़ जाती है, मैं कर लेता हूँ आज। पूरा घुमाओ ना, पूरा पूरा ही है यार। कुछ भी नहीं हो रहा है। जी हम लोग जा रहे हैं अभी घूमने, देखते सब्जी सब्जी कुछ मेरे रास्ते में। तो यो जल्दी तो आदू को है, दो दो बिस्किट डाले मुंह में। आदि कहाँ जा रहे जी आदू? गाड़ी में बैठने को तो ऐसा सोचती नहीं कि बस बस। जाने अपनी SBI ऑफिस में रखी हुई है। तो यार तो कल भी टाइम ही कहा लगा। क्या खा रहे आप? सारथी बच्चे, सारथी बच्चे। तो
जी हम लोग घूम फिर के आ गए हैं, तो अब सब्जी तो कुछ मिली नहीं, तो अब दाल ही बनानी पड़ेगी। मलका की दाल बनाऊंगी मैं अब, और आज मेरे पापा टमाटर और गोभी लेके आए। मैं आपको अपने मायके की गोभी दिखाती हूँ। फ्रेश फ्रेश बिल्कुल ताज़ा, और टमाटर। तो जी मैंने अपनी दाल तड़क दी है, अब मैं बनाऊंगी घी। तो क्योंकि मलाई बहुत ही ज़्यादा हुई है, मैंने इस बार बनाई ही नहीं। देखो ढक्कन ही नहीं निकल रहा है इसका, इतनी ज़्यादा हुई है ओवरलोड। इसमें थोड़ी सी है, तो मैं अब करती हूँ, कब अपना काम शुरू, 6 बज गए। थोड़ी देर के बाद फिर खाना वगैरह भी खाना होता है, तो मिलते हैं आपको। तो जी ये है मेरा मक्खन। हाँ मम्मी, मांडे में अब क्या करना, बर्नी तो फाड़ दी। अच्छा खासा नुकसान हो गया आज, 200 रुपये का। मैंने भी सोचा था मलका की दाल के साथ घी खाएंगे, ते तो के फूटे बरने। मैं और कौन आई नी, चलो तो बन जाएगा खाने लायक, ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो बन जाएगा। तो जी अभी मक्खन बनाते बनाते मेरी शीशे की बर्नी फट गई। शीशे की जिसमें मैं मक्खन बनाती थी, अब नहीं लानी पड़ेगी, 200 रुपये का नुकसान। क्या करें फिर, अब करना क्या है, पार्सल प्लास्टिक का? नहीं यार, प्लास्टिक तो टेम्परेरी है, दूसरी लाऊंगी। और आदू ये क्या है, दे मैं करता पॉक कर दे पापा से, पापा पॉक करे। पापा को भी दे, आदू पापा को भी दे, पापा को दे दे। आदू सो जा, सो जा आदू, आइसक्रीम बंद, सो जा। ले ओ जी ढक्कन लग गया, ले ले सो जा, सो जा मुंडी कर नीचे। चलो भाई पार्सल तैयार। कल की तैयारी भी करनी है थोड़ी सी। कल मैं लवी देखने जा रही हूँ अपनी मम्मी के साथ, मेरी मासी की लड़की आ रही है दो, और मेरे मामा जी की लड़की। तो कल जाती है लवी, मैं गए नहीं काफ़ी टाइम हो गया, फिर उसके बाद तो लवी ऐसे भी ख़त्म हो जाएगी। तो कपड़े वपड़े निकाल के रखती हूँ, सुबह वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं होता, फिर आदू को नहलाना सुलाना फिर उतने में, तो फिर मिलते हैं अब आपसे कल। तो तब तक के लिए हमारी वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके बाय।